अभी हत्या लूट कहते या जदन अपराध के कांडों में जो भी वांछित फरार चल रहे हैं उनकी छापेमारी गिरफ्तारी के लिए की जा रही है, लगातार की जा रही है, अभियान के तहत किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दो गई। मामला जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बराजगननाथ स्थित चक मोहम्मद इलाके का है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पुराने मामले में एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फरार आरोपी मौजूद है। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वहां पहले से कुछ युवक मौजूद थे, पुलिस ने सभी को घेर लिया। इसी दौरान पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने फायरिंग कर दी, फिर पोखर में कूदने लगे। पकड़ने के डर से बदमाशों ने रोड़ेबाजी से भी कर दिया। हालांकि मौके से चार युवक को हिरासत में लिया गया है। चारों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। हवाई फायरिंग में एक चौकीदार मुन्ना पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके बाएं पैर में चोट लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस कुछ युवकों को पकड़ने के लिए आई थी, इसी दौरान बदमाश पुलिस से भिड़ गए। सूत्रों की माने तो पुलिस राजा ठाकुर हत्याकांड में दो आरोपियों को पकड़ने गई थी, इसी दौरान हमला हो गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पोखर की तलाशी कर ली। पोखर से धारदार चाकू भी बरामद किया गया। लोगों का कहना है कि बदमाशों ने पुलिस के सामने पिस्टल व अन्य सामान फेंकने लगे। पुलिस ने एक चाकू बरामद किया है, हालांकि पिस्टल बरामद नहीं किया जा सका। अभी हत्या लूट डकैती या जदन अपराध के कांडों में जो भी वांछित फरार चल रहे हैं उनकी छापेमारी गिरफ्तारी के लिए की जा रही है, लगातार की जा रही है, अभियान के तहत किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अय्यापुर थाना द्वारा अय्यापुर थाना क्षेत्र में ही हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया गया था। अभियुक्त लोग अपने घर में ही घेरा गए थे तो पुलिस का विरोध करने लगे, ढेला पत्थर चलाने लगे। बाद में जब पुलिस को देखे कि मुस्तैद है, नहीं भाग रहे, तो पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किए थे, लेकिन पुलिस तत्परता के साथ उन लोगों को वहां से पकड़ा है। जिसमें तो दो जिस कांड में छापेमारी में गया हुआ था लोग, दो कांड उस कांड का दो अभियुक्त पकड़ाए हैं और दो अभियुक्त और पकड़ाए हैं, उस संबंध में सत्यापन किया जा रहा है। और अभी भी लगातार छापेमारी जारी है उन लोगों का, और एसोसिएट का पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। उनके घर के पीछे एक तालाब है, तालाब में भी कुछ सामान उन लोगों के द्वारा फेंका गया था, उसका भी हम लोग खोज करवा रहे हैं कि क्या फेंका गया था। अभियान चल रहा है। नहीं, पुलिस कर्मी घायल हैं।